हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 12:30 का टाइम हो रहा है और जस्ट अभी अभी जस्ट मैंने प्रोक्रीन वाला मिल्क लिया हुआ है, एक वीडियो शूट करा हुआ है जो कि है जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो, और ये वीडियो पता नहीं मुझे कब आएगा। सो हम लोग कल जा रहे हैं ओरछा। जी हाँ दोस्तों, मेरा मैटरनिटी शूट होना है, साथ ही साथ हमारी फैमिली में एक फंक्शन भी है। तो मुझे नहीं पता ये वीडियोज कब आएंगी, क्या होगी, ये वीडियो पहले आ जाएगी, वो वाली बात में जाएगी, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं आप लोग साथ में बहुत कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो कल सुबह वैसे तो मैं पूरे ब्लॉग को मतलब स्टार्ट करना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि मैं चलो मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको अभी सारी चीजें बता देती हूँ जल्दी से। कल सुबह पैकिंग करनी है, जाना है, सारी चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें मैं रख रही हूँ, क्या क्या चीजें मैंने ली हुई हैं, वो सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगी। और मेरी सारी प्रिपरेशन बहुत दिनों से चल रही थी, बट यही था कि हमारा जाने का नहीं हो पा रहा था। फाइनली अभी हम जा रहे हैं और वीडियो शूट भी होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे को लेबर पेन से स्टार्ट ना हो जाए, सो मेरा जो शूट है वो ना हो पाएगा। बट थैंक गॉड मेरा शूट कल होने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैंने ना परसों ही हेड वॉश करा हुआ था, इस वजह से आज नहीं करा, बट मैं कल हेड वॉश करूंगी। और मैंने ना थ्रेडिंग बनवा ली थी क्योंकि मैंने सलून वाले को बुला लिया था घर पे। सो गाइज ऑल सेट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अब मैं इस ब्लॉग को कल सुबह कंटिन्यू करूंगी। सो गुड नाइट गाइज। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी रेडी है। सो ये देखिए, ये बन रही है हमारी सैंडविच और इसके अंदर ये देखो, वाओ। तो मैं ना माँ पापा के साथ में गई हुई थी और पीछे गाड़ी में ना पूरा बेड बना लेता, उसमें मैं आराम से लेट कर गई हुई थी सेफ्टी के साथ में, एकदम स्लो ड्राइव करके पापा ले गए थे मुझे। और अभी हम रिसोर्ट में पहुंच गए हैं, आगे क्या करते हैं और आपको पूरा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेस व्हाट, हम लोग कहाँ पे हैं आज? आज हम लोग आए हुए हैं ओरछा। जी हाँ, ओरछा पैलेस में आए हुए हैं। एक्चुअली एक प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ मेरा जो मैटरनिटी शूट है वो भी आज होना है। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट हम वीडियो में इंक्लूड करते हैं। और आई एम सो हैप्पी, मतलब पूरी फैमिली है, बहुत मज़ा आ रहा है। सो एक्चुअली क्या है ना कि एक गाड़ी से किया से मतलब पूरा बेड बना के उसमें मैं लेट के आ रही हूँ, क्योंकि कंफर्टेबली आना था हमको। और आराम आराम से रास्ता अगर 1.5-2 घंटे का है तो हम लोग 3-3.5 घंटे में आए हुए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आते आते। मैं सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो लंच हमारा रेडी है, पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है, तो चलिए चलते हैं। तो आते आते ना हमारा लंच टाइम हो गया था, तो पूरी फैमिली यहाँ पे लंच कर रही है और मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में जाके रूम में रेस्ट करेंगे, फिर शाम को मस्ती भी तो करनी है ना ढेर सारी। और एंगेजमेंट का प्रोग्राम है मेरी सिस्टर इन लॉ का, तो वो सारी चीज़ें भी होनी है, मैटरनिटी शूट भी होना है मेरा, प्लस ये पीछे गाड़ी से आ रहे हैं, एक्चुअली इनको कुछ काम आ गया था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप सब लोग निकल जाओ, मैं अपना काम निपटा के ही आऊँगा। तो फिर ये दूसरी वाली गाड़ी में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आ रहे हैं, और आई थिंक इन्हीं का इस टाइम पे कॉल आया हुआ था, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। और छोटा मोटा सा मैंने क्लिप्स वगैरह जो है रिकॉर्ड करे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पूल के पास में आ गए, यहाँ पे सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, दादी माँ वगैरह हैं, सब लोग मतलब आते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे देखो पूल साइड में मतलब सबका स्टार्ट हो गया मस्ती करना। मैं वॉक करते करते जा रही हूँ रूम में, और रूम में बैग्स वगैरह सारे आ गए इस वजह से, और मेरे पैरों की हालत ऐसी है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। और ये रही सिमरन, लास्ट हम लोग तब यहाँ पे आए हुए थे जब हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था या होने वाला था, तब उस टाइम पे आए थे, आई थिंक अक्टूबर में नवंबर में। हाँ, तो उसमें विशाल भी, प्रांशु भी, सब लोग आए थे। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में उसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर क्लिक करके देख सकते हो। सो अभी हमारा पूरा लगेज आ गया, ऑलरेडी लगेज चला गया बट अभी कुछ चीज़ें रह गई थी, सो वो सारी आ गई हैं। माँ माँ भी चेंज कर लो। मैं पूरी ट्रैवल में ना आराम से लेट कर आई हुई थी ना, सर मैं कहा थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ लंच करने के बाद में, बाकी सब लोग पूल में जा रहे हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। साथ ही साथ पहले हम जा रहे हैं रूम में, रूम में जाके चेंज वगैरह कर लेते हैं, मुझे भी मन कर रहा है पूल में चले जाएँ, बट देखते भी घर वाले अलाउ करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इट्स नॉट सेफ, बट आई विल ट्राई। और अभी ये भी आने वाले हैं, एक्चुअली ये लेट हो गए थे आने में, तो उनको कुछ काम था ज़रूरी, तो ये वहीं पर रुके थे ग्वालियर में, तो ग्वालियर से ये अभी निकले हुए थोड़ी देर पहले, तो जस्ट 84 पहुँचे हुए हैं, वहाँ से निकल आए उसके बाद में। और ये तो हम लोग आई थिंक वहाँ पे रुक रहे हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी रुके हुए थे लास्ट टाइम हम लोग ना उस वाले रूम में रुके थे, बट अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी हम रूम में पहुँच गए। ये देखो देवांश, ये रही सिमरन, सारे लोग कौन आया, लागे जा गया, देख नाने जा रहे हो। माँ भी चेंज कर लो, माँ सूट नहीं पहनती थी, सूट पहनती, मेरा बैग है। मेरे को ना बहुत ज्यादा क्रेव हो रही है कॉफी पीने की, बट उसके अंदर ड्रेस के अंदर रखी होगी,
तो मैंने ना बन बना लिया यहाँ पे पूरे हेड कवर कर लिए। माँ को देखो, माँ पापा, माँ कह रही पापा धक्का दे देते। बोला था कि सूट पहन लो, मेरी माँ सूट नहीं पहनती बिल्कुल भी। तो हो रहा है, ओ ये वाह, हेलो कैप, कितने गंदे लग रहे हैं। इसको अपना हेड कवर करना है। और वहाँ देखो माँ को, दादी पापा वहाँ पे बैठे हुए। अभी ना थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ये भी जस्ट आने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती चल रही है। सभी लोग पूल में घुस रहे हैं अंदर। अरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रह गए आने के लिए, तो सब आ जाएंगे तभी और मजा आएगा। बहुत अच्छी आ रही है सही में। तो अभी नहीं, शावर कैप ना मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद में जाते पूल में यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है और अभी ये रहा हमारा वॉशरूम। एंड हियर आई एम, मैंने शावर नहीं लिया, बस मैं तो ऐसी हो गई हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं बीच बीच में अपना भी ख्याल रखते जा रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोल ड्रिंक ले रही हूँ जो कि एनर्जी ड्रिंक है। सो अभी एकदम रेडी वेडी होके हम सब लोग जा रहे हैं नीचे और रेस्टोरेंट में, और कुछ गेस्ट वगैरह आ गए हैं उनका अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह भी आ गए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं सबसे, एक दूसरे से बुआ जी वगैरह आ रही हैं। और अभी क्लीनिंग करने के लिए एक्चुअली आ गए हैं रूम में, और विशाल भैया ये भी आ गए, दीपक भैया वगैरह भी आने वाले हैं। और ये झूमर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। सो इस बार ना हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में रुके हैं, बट इन लोगों का जो रूम है ना बॉयज का, ये नीचे है। सो यहाँ पर ये वाला रूम है, अभी ये लोग इस वाले रूम में हैं और अभी हम यहाँ वाले रूम में रुके। तो ये सारे हमारे रूम्स बुक हैं यहाँ पे, सारे मतलब ऑलमोस्ट पूरा होटल अभी बुक है। तो नाइट का टाइम हो गया था, उस वजह से फिर हम यहाँ पे डिनर करने के लिए आ गए थे। तो मैंने ना जो सूप लिया हुआ था, और ज़्यादा मैंने हैवी खाना नहीं खाया था, बट मैंने फिर बाद में ना थोड़ा सा राइस ले लिया था कर्ड के साथ में, जो कि अच्छा लग रहा था। मुझे मीठा वाला कर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी सबको ना वो जो खट्टा वाला कर्ड होता है ना वो पसंद है हमारे घर पे। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे देखो नाइट का टाइम हो गया, हम लोगों ने ना डिनर कर लिया और अभी हम वापस से जा रहे हैं रूम में। मैं और माँ ना वॉक कर रहे थे अभी यहाँ पे। देव ऊपर वाले रूम की है तुम्हारे पास में कार्ड? यही है, थैंक यू। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी रात का टाइम हो गया है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।